हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं दीप्ति गुप्ता परीक्षा प्लस के परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो डिस्कस करेंगे आज सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम है 31 जनवरी को, तो प्रीवियस ईयर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपनी एग्ज़ाम्स में। तो अगर हम प्रीवियस ईयर से एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा रहेगा, आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो समय तो बहुत कम है, बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक क्वालिटी कंटेंट पढ़ने की। तो आज डिस्कस करेंगे सीटेट 2020 का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें हम सीटेट 2019 का दिसंबर वाला पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम CDP का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं, समय तो खैर कम है, तो हम क्वेश्चंस की तरफ सीधे आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, जिसमें पहला ऑप्शन रहेगा आपका जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन रहेगा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो आप सभी को पता है कि देखिए भाषा विकास की बात आपके कौन से मनोवैज्ञानिक करते हैं, तो चॉम्स्की इसके बारे में सीधी बात कहते हैं कि भाई बच्चे का जो विकास है भाषा का, वो किस अवस्था में सबसे ज़्यादा रहता है, भाई जन्म पूर्व अवधि में तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ भाषा विकास कैसे हो सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा मतलब रैपिडली भाषा को सीखता है। तो मध्य बाल्यावस्था तो इसके बाद की बात आ जाएगी, जिसमें वो सीख चुका होगा चीज़ों को, ठीक है। और किशोरावस्था तो खैर आप समझदार हो जाते हैं इस अवस्था तक, तो इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन क्या कहता है कि प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग आपकी तीन स्टेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला आपका क्या रहता है, पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा आपका रहता है परंपरागत स्तर, तीसरा आपका रहेगा उत्तर परंपरागत स्तर, जिसमें मूर्त प्रसुप्ति अवस्था की तो लॉरेंस कोलबर्ग बात करते ही नहीं है, और जिसमें आपके लॉरेंस कोलबर्ग बात करेंगे किसकी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की, वो भी इस स्तर में इसकी बात करते हैं आके, है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये पियाजेस की बात करते हैं, ठीक है। और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था की भी लॉरेंस कोलबर्ग बात नहीं करते हैं। तो आगे बात करेंगे हम तीसरे क्वेश्चन की, जिसमें आता है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो जिसमें आपका पहला ऑप्शन रहेगा जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता या जेंडर समरूपता। तो देखिए एक तराजू है, ठीक है, एक पलड़ा भारी रखते हैं और एक पलड़ा हल्का रखते हैं, जिससे कि आपके सीधे बायसनेस की पहचान होती है, आप पक्षपात कर रहे होते हैं। कई बार आपने देखा है कि हमारे समाज में भी जेंडर को मतलब इक्वलिटी नहीं दी जाती है, बॉयज़ का अलग बताया जाता है कि मतलब घर में है लड़के, आपके बर्तन नहीं धुल सकते, झाड़ू नहीं लगा सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक जेंडर बायसनेस की बात करता है। इसी प्रकार इसमें बताया गया है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, इसका मतलब है कि वो जेंडर पक्षपात कर रहा है, जेंडर बायसनेस की बात करता है, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन आप क्या कह रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आता है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। देखिए आपको मैं बताती हूँ कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा,
CTP में क्या रहता है कि बच्चों के साथ आप जितना ज़्यादा कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, जितना ज़्यादा उनके साथ मतलब बातचीत कर पा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा उसी को महत्व दिया गया। जब आप जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे बच्चों के साथ, तो आप जान पाएंगे कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ जेंडर पक्षपात हो रहा है नहीं हो रहा है। अलग अलग बच्चे अपनी अपनी बात आपसे डिस्कस कर पाएंगे, है ना। तो दूसरा ऑप्शन कहता है कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। भाई जब आप जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे तो आप जेंडर रूढ़िवादिता को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, है ना, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका कहता है कि जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। जब आप यहाँ पे मतलब जेंडर पृथक चीज़ें कर रहे हैं, आप लड़कियों को अलग खेलने को कह रहे हैं, लड़कों को अलग खेलने को कह रहे हैं, आप बात करेंगे कि लड़के खो खो नहीं खेलेंगे या लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलेंगी, तो कैसे आप जेंडर रूढ़िवादिता को ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका कहता है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। ये भी बेसिकली कोई सही ऑप्शन बिल्कुल नहीं कहता है, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था कराना। जैसे कि मानते हैं कि अभी भी कई स्कूल्स में देखते हैं हम कि लड़के अलग बैठते हैं, लड़कियाँ अलग बैठती हैं, ये कोई बेसिकली बाल विकास में कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जब आप कोएड कॉलेजेस कहते तो हैं, लेकिन आप भाई बॉयज़ को अलग बिठा रहे हैं, गर्ल्स को अलग बिठा रहे हैं, तो क्या ही फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपका कोई जेंडर रूढ़िवादिता को ख़त्म नहीं करेगा। इसमें बेस्ट ऑप्शन है आपका क्या रहेगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक बात ज़रूरी ये रहेगी कि ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को अगले सेशन में सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। जिसमें आपका पहला ऑप्शन है J.B. वॉटसन, ठीक है, लेव वायगोत्स्की, या फिर जीन पियाजे, या फिर लॉरेंस कोलबर्ग। तो देखो, वॉटसन तो भाई आपके व्यवहारवाद की बात करते हैं ना, आप सभी को पता है वॉटसन ने कहा था कि भाई आप मुझे एक दर्जन बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज दे दीजिए, मैं उनको चोर, डाकू, पुलिस, सिपाही, जो आप बताएंगे वो बना दूंगा, ठीक है। लेव वायगोत्स्की आपकी इसकी बात करते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा सक्रिय जिज्ञासु है, ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव को किसने महत्व दिया, लेव वायगोत्स्की ने, ठीक है। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें आपका क्वेश्चन है कि जिग-सॉ पहेली को पहेली करो करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। अच्छा, जिग-सॉ पहेली क्या है, आप सभी ने बचपन में एक खेल खेला होगा जिसमें कलर्स मैच करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक बच्ची है नजमा, 5 साल की, वो अपने आप से बातें कर रही है, कह रही नीला टुकड़ा कहाँ है, अरे ये नहीं, ये वाला, ठीक है। तो इसमें एक लाइन मिस हो गई है, इसमें वायगोत्स्की के अनुसार ये वाली स्पीच पूछी गई है, वायगोत्स्की के अनुसार इसको मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। इसमें इन्होंने बोला है व्यक्तिगत वार्ता या फिर प्राइवेट स्पीच, ठीक है, या जोर से बोलना, पाड़ या ढांचा, पाड़ को आप क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग, अच्छे से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बेसिकली अगर आप DLED या BEd करके यहाँ तक आए हैं, CTET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी एक बेसिक समझ विकसित हो चुकी होगी, ठीक है। ईगो सेंट्रिक स्पीच, ठीक है। तो वायगोत्स्की, इस जो बच्चा अपने आप से बातें करता है वायगोत्स्की, उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपसे बात कर लें कि पियाजे इस स्पीच को क्या कहते हैं, तो पियाजे ने कहा है कि भाई ये आत्म केंद्रित वार्ता है, ईगो सेंट्रिक स्पीच है। बच्चा लगभग 2 से 6 या 7 वर्ष तक ये वाली स्पीच करता है, ठीक है। तो 6 का आपका ऑप्शन हो जाएगा प्राइवेट स्पीच, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्रबलन, दूसरा ऑप्शन है अनुबंधन, तीसरा ऑप्शन है मॉडलिंग, या चौथा ऑप्शन है पाड़िया ढांचा, जिसे आप स्कैफोल्डिंग कहते हैं।
स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा बेसिकली एक आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, मैथ्स का। तो इसमें क्या रहता है कि मैं एक स्टेप पे आके रुक गई, मुझे नहीं आ रहा आगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो अगर कोई टीचर हैं जो मुझे उस स्टेप को क्लियर कर देते हैं, और फिर मैं अपने आप से उस सवाल को लगा लेती हूँ, जिससे आप क्या कहेंगे कि टीचर बेसिकली मेरे लिए क्या कर रहा है, किसका काम कर रहा है, वो स्कैफोल्डिंग का काम कर रहा है। यही आपसे पूछा गया है कि बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। उनको आप संकेत दे सकते हैं या फिर जब उनको ज़रूरत होगी तब आप उनका सहयोग कर सकते हैं। तो किसका उदाहरण होगा, वो होगा स्कैफोल्डिंग का, ठीक है। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, ठीक है। जिसमें आपका पहला ऑप्शन रहेगा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या फिर साध्यात्मक विचार। दूसरा आपका रहेगा संरक्षण या कक्षा समावेशन। तीसरा आपका रहेगा आस्थगित अनुकरण या फिर पदार्थ स्थायित्व, ठीक है। चौथा आपका रहेगा प्रतीकात्मक खेल या फिर विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ठीक है। तो आपके जीन पियाजे कहते हैं, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी आपको पता ही होगा। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इन्होंने क्या बताया था कि भाई बच्चे में कंजर्वेशन और कक्षा समावेशन का गुण आ जाता है। अच्छा, कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन या फिर संरक्षण, ठीक है। इसका मतलब है कि आप एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है, एक गिलास पानी लीजिए। अब आप इसको चाहे एक टप में कर दें, चाहे आप एक इसमें भगोने में कर दें, चाहे आप एक कटोरे में कर दें, लेकिन इस पानी का आयतन नहीं बदलेगा, जिसे आप क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। जिसमें आपको जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जिसकी बात की है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। पहला ऑप्शन कहता है आपका स्कीमा, दूसरा अवलोकन अधिगम, तीसरा अनुबंधन या फिर प्रबलन, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार पियाजे ने भाई किसकी बात की थी संज्ञानात्मक विकास के बारे में? पियाजे ने स्कीमा को महत्व दिया था, ठीक है। स्कीमा क्या होती है आपकी? आप कोई भी चीज़ देख पा रहे हैं, मान लीजिए आप मुझे देख रहे हैं कि मैं दीप्ति हूँ, ठीक है। आप कल अगर मुझे कहीं और देखते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि भाई ये तो दीप्ति मैम जो CDP पढ़ाती हैं। तो आपके माइंड में इसका एक स्कीमा बना हुआ है, ठीक है, कि ये दीप्ति है। आप किसी भी चीज़ को देख के अगर उसको रिकॉल कर पा रहे हैं तो आपके माइंड में उस चीज़ के स्कीमा बना हुआ है। पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें आपकी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने बात की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन मतलब असिसमेंट, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप श्रेणी ही निश्चित कर देंगे तो इससे बच्चों के मन में हीन भावना आ जाएगी, वो सोचेंगे अरे ये तो मेरे से आगे है, मैं तो इससे पीछे हूँ, तो फिर वो आगे सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना, या फिर विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या फिर रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। चलिए मैं आपको एक कीवर्ड देती हूँ, ठीक है, जो आपके CTET के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। बेसिकली आप बच्चे को ना सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बच्चे को अलग नहीं कर सकते कि अगर कोई भी बच्चा उससे होशियार है या फिर उससे कम है, अच्छा है पढ़ने में, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। बेसिकली उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण ये सब चीज़ें आपको CDP में बात ही नहीं करती हैं, ठीक है। प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित कर देंगे, फिर से उनमें हीन भावना आ जाएगी। तो आपका एक ऑप्शन राइट बचता है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। जितना आप बच्चे से कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे, जितना उसकी बात को समझ पाएंगे, उतना ही CDP में बेस्ट ऑप्शन कहा गया है। तो आप असेसमेंट में क्या कर सकते हैं, बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझ सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की, तो जिसमें आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। पहला ऑप्शन आपका कहता है कि
बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, या फिर बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बेसिकली आप सभी ने गार्डनर के बुद्धि के 8 सिद्धांत पढ़े ही होंगे। किसके? गार्डनर के, जिन्होंने बुद्धि के 8 पहलू बताए हैं। तो जिससे आपका सबसे पहली बात तो ये क्या रहती है, बुद्धि कभी एक आयाम में नहीं हो सकती है। तो बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। गार्डनर की थ्योरी आपका बेसिकली इसका अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका नहीं सही होगा, ना ये होगा ना ये होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, जिसके लिए आपको गार्डनर की थ्योरी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगली बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें कहता है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। ठीक है, एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो रूही उसका एक से अधिक समाधान निकाल लेती है। ठीक है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ठीक है, पहला आपका ऑप्शन रहेगा सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, या अनम्य विचारक, या आत्म केंद्रित विचारक। अनम्य विचारक मतलब रिजिड थिंकर। ठीक है, ईगो सेंट्रिक थिंकर। बेसिकली देखिए, ईगो सेंट्रिक तो बात बिल्कुल नहीं होगी। जब रूही एक से अधिक समाधान निकाल पा रही है तो मौलिकता की ही बात कर रही है, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रिजिड थिंकर कैसे हो जाएगी भाई? वो तो अच्छा ही काम कर रही है, एक प्रॉब्लम कई सॉल्यूशन, और वो भी मौलिक रूप के हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभिसारिक विचारक मतलब कन्वर्जेंट थिंकर। ठीक है, कन्वर्जेंट तो भाई बिल्कुल नहीं हो सकता। जब वो एक से अधिक विचार प्रस्तुत कर पा रही है तो कन्वर्जेंट कैसे होगा? ये तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी ना। तो फिर सृजनात्मक विचारक इसका एक ऑप्शन आपका राइट बचता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कहता है कि बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, या फिर अपनी शिक्षा पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के नए तरीके ढूंढने चाहिए। देखिए, हमने आपको बताया था कीवर्ड कि भाई टीचर को ना अपनी ही स्टेप्स में सुधार लाना चाहिए। आप बच्चे को गलत नहीं कह सकते। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई वंचित समूह का बच्चा है भाई, उसको अगर आप नॉर्मल बच्चों में रखना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से सुधारिए ना, कि किस तरीके से आप बच्चे को नॉर्मल में रख सकते हैं, कौन से तरीके आप उसके साथ अपना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कैसे गलत हो जाएगा कि भाई जब विद्यालय ही छोड़ने के लिए कह दोगे तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? ठीक है, क्या कर रहे हो? जब विद्यालय वो ही छोड़ देगा तो आपकी थिंकिंग और आपकी समझ, ये डीएलएड बीएड और सीटेट क्रैक करना किस काम का रह जाएगा? ठीक है, तो दूसरा ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार ही कर लेंगे तो आपका बाल मनोविज्ञान पढ़ने का आशय क्या रह जाएगा? जब आप बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, बच्चों के मतलब पूरा व्यवहार के बारे में पढ़ रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो फिर आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर लेना चाहिए। भाई अपेक्षाएं कैसे कम कर लोगे? आप पढ़ा रहे हो, कोई इश्क तो चल नहीं रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, दुख हो रहा है, लाइए उनसे एक्सपेक्टेशंस कम कर लेते हैं। जी नहीं, आपको अपने स्टेप्स में सुधार लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर लेना चाहिए, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो एक ऑप्शन आपका सही बचता है कि अपनी शिक्षा पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें आपका क्वेश्चन कहता है कि एक समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, ऑप्शन नंबर ए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। नेगेटिव वर्ड जहां भी आपको मिले ऑप्शन कट कर दीजिए,
हतोत्साहित नहीं, आप सीडीपी में प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है? तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। कभी कभी तैयार करना चाहिए, कभी कभी क्यों करेंगे, बाकी टाइम में आप क्या करेंगे फिर बैठ के? ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तैयार नहीं करना चाहिए, नेगेटिव वर्ड मिल गया पहली बात। दूसरा, तैयार नहीं करेंगे तो सैलरी किस चीज़ की उठाएंगे आप? तो आपका एक ऑप्शन बचता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य, इसकी इंग्लिश बता देती हूँ, हिंदी में काफ़ी टफ लग रहा होगा आपको, डिसलेक्सिया। याद आ गया होगा अब तो, खैर आराम से अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो डिसलेक्सिया से क्या आशय है? सीधा से एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। पढ़ने में धारा प्रवाहिता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिसलेक्सिया आपका क्या कहती है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया में क्या रहता है, बच्चा 100 को वॉस पढ़ता है, मतलब वर्ड्स को उल्टा सीधा देखता है, लाइन से नहीं देख पाता है, गॉड को डॉग पढ़ेगा, तो ये किससे, डिसलेक्सिया से प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ठीक है? नंबर पहला, व्यवहारवादी सिद्धांत, जी नहीं, बिहेवियरिज्म की बात नहीं करता है आरटीई एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। बिहेवियरिज्म में आपका आ जाएगा कि मतलब व्यवहार पे छोड़ दीजिए, जैसे भी आपका चल रहा है बिल्कुल बात नहीं करता है। असक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, जब आप सहानुभूति ही देने लगेंगे तो फिर ये नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे बैठ के, आपकी बिल्कुल गलत बात कहता है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, जी हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है, कि आरटी एक्ट में क्या बताया गया है कि भाई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को देनी पड़ेगी या फिर चाहिए होती है, ठीक है? तो बच्चे, हर बच्चे का अधिकार है कि वो एजुकेशन ले सके। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन यंत्रवत याद करने पर आधारित है, या फिर प्रबलन पर केंद्रित है, या फिर अनुबंधन द्वारा आयोजित है, या फिर अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है? इसमें क्या कहते हैं भैया, मतलब आप अपने आप से कुछ करके एक मीनिंगफुल चीज बना सके। तो अवबोधन का मतलब होता है मीनिंग मेकिंग, मीनिंग मेकिंग। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किस तरीके की प्रक्रिया पर केंद्रित होगा, मीनिंग मेकिंग पर होगा, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपका कहता है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैंने बताया कि नेगेटिव वर्ड आपको दिखे, आप कट कर दीजिए ऑप्शन को, अनदेखा ही कर देंगे तो आप वहां बैठ के क्या करेंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी कहता है कि बच्चों को दंडित करना चाहिए, दंड का तो कहीं प्रावधान नहीं है, बिल्कुल बैन है दंड सीडीपी में, ठीक है? बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, याद नहीं करवाना है आपको, लर्निंग बाय डूइंग। आपका जॉन डीवी भी बात करते थे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, जॉन डीवी कहते थे कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है? तो याद नहीं करवाना है आपको, एक ही ऑप्शन बचता है अब हमारा, कौन सा? प्रतिकूल प्रमाण तथा उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। भाई बच्चे कुछ गलत भी सीख सकते हैं ना, गलत उनके मन में पता चल रहा है, कुछ गलत ही नॉलेज आई है, तो आप उसके अपोजिट उनको कुछ उदाहरण दीजिए जिससे उनकी थिंकिंग विकसित हो सके और वो सही चीज़ों को सोच पाएं। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की, जिसमें कहता है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, जी नहीं, हमें लगता है कि आपकी बेसिक थिंकिंग इतनी कहती होगी कि बुक्स पे महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बुक्स को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, या फिर यंत्रवत याद करना, याद करने पे बिल्कुल बल नहीं दिया गया है,
योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण, वर्गीकरण सेग्रीगेशन अलगाव, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे भी आपको ऐसे नेगेटिव वर्ड्स दिखते हैं आप क्वेश्चन तुरंत ऑप्शन तुरंत ही गलत कर दीजिए, ठीक है। तो आपका एक ऑप्शन बचता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, जिसमें कह रहा है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, पूर्णतया अलग है या फिर स्वतंत्र हैं या फिर सन्निहित हैं या फिर संबंधित नहीं हैं, ठीक है। तो आप इसमें बेसिकली आप खुद समझ पाते होंगे कि इमोशंस और कॉग्निटिव थिंकिंग आपकी एक दूसरे से सन्निहित होती है, क्योंकि आप अगर इमोशनली वीक हैं, इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आप रीजनिंग अपनी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए आप बीमार हैं, ठीक है, तो भी आप इमोशनली एक, अगर मान लीजिए किसी रूम में बैठे हैं, कई लोग बैठे हैं, तो आप इमोशनली अटैच सबसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। अगर इस पर एक पर प्रभाव पड़ेगा तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, या फिर इस पर प्रभाव पड़ेगा तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, जिसमें कहता है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका कहता है कि अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। स्मरण की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, याद करना, मतलब ऑप्शन गलत। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए हैं गलती से, ठीक है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या फिर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। सक्रिय विनियोजन, ठीक है। संरचनावादी की बात कर रहे हैं तो एक्टिव वहाँ पे ज़रूर बच्चे होंगे। अगर संरचनावाद की बात कर रहे हैं तो बच्चों का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप बेसिकली कीवर्ड्स को पकड़िए, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप, मतलब देखो कॉन्सेप्ट तो उनके पास लिमिटेड होते हैं, ठीक है, वो आपकी समझ देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को सोच पाते हैं, ठीक है। तो आप कीवर्ड्स को पकड़ के भी कई ऑप्शन सीधे गलत या सही कर सकते हैं। तो 21 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 की, जिसमें कहता है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है, ठीक है। तो ऑप्शन कहता है आपका कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, ठीक है, या फिर यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न कर सकता है। जी नहीं, जब आप उसको उदाहरण भी दे रहे हैं, गैर उदाहरण मतलब हिंट्स भी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बच्चों के मन में कैसे भ्रांतियां उत्पन्न कर देगा, ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई ना। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवधारणाओं के समझ में अभाव पैदा करता है, बिल्कुल नहीं होगा। चीज़ अच्छी है तो फिर आप कैसे, मतलब उसकी समझ में कैसे कमी आ जाएगी। अगली बात करेंगे, यह अवधारणात्मक समझ की बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। जी नहीं, प्रोसीजरल नॉलेज पर आपका बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं करता है। प्रोसीजरल की बजाय आपका किस पर करेगा, कॉन्सेप्चुअल चेंज पर ये बात करेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगली बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 की, जिसमें कहते हैं कि बच्चे को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बाहरी अभिप्रेरणा खत्म होती है, या आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। देखिए, बात बात पे आप, मतलब बच्चे को कुछ अच्छा काम किया चॉकलेट पकड़ा दी, कुछ बेकार काम किया चार डंडे मार दिए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। जब आप यही करेंगे तो बच्चा तो भाई या तो पुरस्कार का आदी हो जाएगा, वो सोचेगा कुछ अच्छा कर रहे हैं हमें कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन डर डर के करने लगेगा, वो दंड से भी डरेगा, ठीक है, जिसमें वो उसकी जो स्वाभाविक अभिरुचि है या जिज्ञासा है वो कम होने लग जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगली बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 की, जिसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, शारीरिक दंड या फिर सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, या फिर सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या फिर निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन।
देखना कितनी भयंकर तरीके से मैं दो ऑप्शन यहाँ से अलग करती हूँ। दंड की बात की मना कर दो भैया, तुलना की बात की मना कर दो, ठीक है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण बिल्कुल सही बात है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन बिल्कुल सही बात है, दोनों की बात करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 2, जिसमें बी और सी सही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, जिसमें कहते हैं कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, ठीक है। एक टीचर बच्चे की मतलब जटिल अवधारणाओं को किस प्रकार से सहज कर सकता है, किस प्रकार से उसको आसान बना सकता है। पहला ऑप्शन है कि एक व्याख्यान देकर, अच्छा आप मतलब कुर्सी पे बैठ के एक बढ़िया सा एक तरीके का बड़ा सा व्याख्या दे दीजिए, कैसे समझ जाएगा, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, या फिर बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बिल्कुल नहीं, मशीन नहीं बनाना है बच्चों को, ठीक है। आपको उसको मतलब रटंत विद्या बिल्कुल नहीं देनी है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करवा के, अन्वेषण एवं परिचर्चा, मैंने बताया ना बच्चे से जितना आप मतलब कंसल्ट कर पाएंगे, जितना उससे कन्वर्सेशन कर पाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 25 का डी। अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, जिसमें है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, बिल्कुल नहीं, जब आप बार बार पुरस्कार ही देंगे तो बच्चे की आदत बिगड़ जाएगी, ठीक है। केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, या फिर गलत उत्तरों को अस्वीकार करके या दंडित करके, बिल्कुल नहीं, दंड को कहीं भी प्रावधान नहीं है CDP में। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने की प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके, देखिए बच्चे को इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाया गया है, वो खुद से ही अनुमान लगा रहा है कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप प्रोत्साहन करेंगे, ठीक है, तो उस पर फिर विचार मंथन करेंगे, जो कि प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका को बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें 26 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगली बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 की, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित नहीं होगा, यहाँ पे बढ़ता है। ये हिंदी में बेसिकली एग्जाम में ही मिसप्रिंट आया था, इंग्लिश वाला क्वेश्चन सही था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और चेक भी कर लीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो शैशवावस्था या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखिए आपको बताया गया होगा कि सब मतलब रैपिड ग्रोथ बच्चे की कब होती है, तो जब वो प्रीनेटल पीरियड में होता है। प्रीनेटल पीरियड में आप एक सेल से एक बेबी बन जाते हैं 9 मंथ्स के अंदर अंदर, मतलब लाखों गुना आपका विकास हो रहा होता है, ठीक है। प्रीनेटल के बाद आपका जब शैशवावस्था में आप होते हैं, 2 साल तक की अवस्था में होते हैं आप, तो आपका विकास बहुत तेज हो रहा होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये कौन सा सही हो जाएगा, और प्रारंभिक बाल्यावस्था हालांकि इससे थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें भी विकास बहुत तेजी से होता है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास। तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की, जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल चलता है, आपने पढ़ा होगा कि विकास बूम टू टूम जाता है, गर्भ से कब्र तक जाता है, तो नहीं पूछा है, खैर ये तो मेरा ऑप्शन सही है। विकास परिवर्तित है, मतलब मॉडिफाइएबल है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई गलत चीज़ सीख ली तो जिंदगी में जिंदगी भर वो गलत चीज़ ही रहेगी, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ के, कुछ अच्छी चीज़ें सीख के, तो ये भी आपका सही है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, जिसकी बात कौन करते हैं, वुडवर्थ करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आप लगा दीजिए। विकास सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित इसलिए करते हैं, आप जिस भी एनवायरनमेंट में रहेंगे आपका विकास उसी तरीके से या तो बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है। तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अच्छा ऑप्शन क्या कहता है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत, सिर्फ हेरिडिटी आपका इंडिविजुअल डिफरेंस पे बात नहीं करती है,
ठीक है, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी और पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, ये दोनों चीजें ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अलग करती हैं। मान लीजिए आप एक माँ बाप के दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा अलग तरीके से डेवलप हो रहा है, एक बच्चा अलग तरीके से डेवलप हो रहा है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप हो सकता है कि एक बच्चा गांव में ही रह रहा हो और एक बच्चा शहर में रह रहा हो, तो उसी तरीके से उसका विकास होगा और उसी तरीके से इसमें क्या आती हैं, वैयक्तिक भिन्नताएं आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगली बात करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि परिवार आपका कौन सी एजेंसी है, परिवार आपका प्राथमिक सामाजिकरण यहीं से होता है आपका। ठीक है, कहाँ से होता है, परिवार से होता है। तो परिवार वाला तो ऑप्शन आप सीधे गलत कर दीजिए, है कि नहीं। उसके बाद आता है विद्यालय एवं मीडिया या फिर मीडिया एवं पास पड़ोस। तो भाई विद्यालय तो आपकी सेकेंडरी एजेंसी, क्योंकि परिवार के बाद आप कहाँ जाते हैं, सीधे विद्यालय में जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ना मतलब कीवर्ड्स के माध्यम से और थोड़ी सी समझ विकसित होगी ना अगर आपकी, तो भी आप दो तीन ऑप्शन ऐसे ही गलत कर लेंगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका जो बचता है वो आपका सही हो जाएगा। सीटेट कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, कोई हुआ नहीं है, सब बताते हैं कि मतलब सीटेट बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मतलब एकदम सिंपल भी नहीं कह सकते, लेकिन आपकी समझ कितनी विकसित हुई है, बात यहाँ पे आके ठहर जाती है। ठीक है, तो आज के ये 30 क्वेश्चन CDP के हमने डिस्कस किए हैं। अगले सेशन में हम मैथ्स वगैरह के डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको कौन सा सेक्शन चाहिए या फिर किस में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए तो खैर इतना ही, पढ़िएगा, जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी अपनी क्वेरीज डालिएगा और अगले सेशन में मैं आके उनको सॉल्व कर दूंगी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन था इसलिए। बाकी आगे से देखते हैं, तो ओके, थैंक यू, ध्यान रखिएगा।